15 दिसंबर बात हुई तो कहा है छुट्टी टेंशन हो गई है। जो शहीद झाला आम्हाला गर्व आहे त्याच्याबद्दल। हमारे साथ खेलना क्रिकेट वगैरह उसको क्रिकेट की भी हॉबी थी। गुरेज में बर्फ का तूफान आया और चला गया, लेकिन 15 जवानों के परिवारों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई, क्योंकि इनके जिगर के टुकड़े अब सिर्फ तस्वीरों में ही दिखाई देंगे। इच्छा थी कि मैं देश सेवा करूंगा, मैं लग ठीक जाऊंगा। जवानों के परिवारों में मातम है। वहाँ से अब कश्मीर से चलेंगे, हाँ जबलपुर आएंगे, जबलपुर से फिर यहाँ आएंगे। अब कभी ना खत्म होने वाला दर्द झेलना होगा। अभी विगत 8-9 महीने से वहीं पदस्था, छुट्टी नहीं मिली। किसी की शादी की तैयारी थी, किसी के बच्चों को पता नहीं कि पापा अब नहीं आएंगे। किसी बहन का भाई चला गया। बर्फ के तूफान ने इन घरों के चिराग बुझा दिए। अब जिंदगी भी बर्फ से ठंडी हो गई है। बाप के बुढ़ापे की लाठी चली गई, माँ की आंख का तारा चला गया। फोन भी आया वहां से, यही बर्फबारी तभी तो गए। सवाल यही है, सैनिकों के परिवारों की किस्मत में रोना ही क्यों होता है? ऐसा होता तो वैसा हो जाता, चेतावनी देने वाला कोई सिस्टम होता तो शायद बच जाता। ये परिवार अब इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द अपने आंसू सुखाने की कोशिश करेंगे। बर्फ का पूरा ढलान जो है वो बहना शुरू कर देती है, तो उसमें से बचना बड़ा मुश्किल। जी न्यूज इन जवानों की शहादत को सलाम करता है। काश ऐसा होता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कश्मीर के हुरेज सेक्टर में देश ने एक मेजर समेत 15 जवान खो दिए। अब जवानों के परिवारों को पार्थिव शरीर का इंतजार है। जवानों का पार्थिव शरीर मौसम में सुधार होते ही पहले श्रीनगर पहुंचाया जाएगा और फिर जवानों के घरों तक लेकर जाया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि ऐसे हादसों में हमारे वीर जवान शहीद ना हो, इसके लिए क्या कोई तकनीक विकसित नहीं की जा सकती? लेकिन सबसे पहले इस खबर पर और जानकारी हम आपको दें, आपको क्रेडिबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता बता देते हैं। इस खबर पर हमारे संवाददाता खालिद हुसैन जानकारी दे रहे हैं, यानी कि रिपोर्टों की मौजूदगी है तो इस पैमाने पर हमारी खबर खरी उतरती है। दूसरी विश्वसनीयता है और उसका मापदंड है कि ये खबर सत्यापित है या नहीं, तो हम आपको ये बता दें कि ये खबर सही है। तीसरा पैमाना एक्सपर्ट की राय है। इस खबर में एक्सपर्ट्स की राय भी ली गई है। आपको बताएंगे डिफेंस एक्सपर्ट और साथ ही DRDO के साइंटिस्ट क्या कह रहे हैं। और चौथा पैमाना है खबर की तकनीकी विश्वसनीयता का, यानी कि इस खबर में दिखाए गए वीडियो पर आप भरोसा कर सकते हैं या नहीं। क्योंकि जी मीडिया ने इस वीडियो को शूट किया है तो इस पैमाने पर भी हमारी ये खबर खरी उतरती है। आइए आपको दिखाते हैं फौज पर कुदरत का कहर, आंसुओं का सैलाब। साधारण से दिखने वाले घर, सीधे साधे लोग, ऐसे ही तो होते हैं हमारे सैनिकों के परिवार। जम्मू कश्मीर के गुरेज में आए एवलांच ने हंसते खेलते परिवार उजाड़ दिए हैं। जिन लाडलों के घर आने का इंतजार था, अब उनके पार्थिव शरीर की बाट देखनी होगी। ये महाराष्ट्र के अकोला जिले के मुर्तजापुर तहसील का माना गांव है। एवलांच में शहीद हुए संजय खंडारे के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। संजय खंडारे 2005 में सेना में भर्ती हुए थे। जम्मू कश्मीर की 15 महार बटालियन में उनकी तैनाती थी। परिवार में माँ बाप हैं, दो छोटे बच्चे हैं, पत्नी है।
सात साल की बेटी को पता भी नहीं है कि पिता का साया सिर से उठ गया है। आठ महीने के बेटे ने तो अभी पापा कहना सीखा ही होगा। इतनी लंबी जिंदगी बिना जीवन साथी के अब पत्नी को अकेले काटनी होगी, बच्चों को बिना पिता के बड़ा करना होगा। परिवार कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। दोस्तों को अपने साथी के जाने का गम तो है, लेकिन शहादत पर गर्व है। मित्र बनो सदा आमच तो बाकी तो कहीं चांगला मुलगा होता है एकदम। बर्फीले तूफान ने अकोला जिले से ही एक और शहादत ली, अकोला के पंचशील नगर के आनंद गवई। अकोला के पंचशील नगर के आनंद गवई 2009 में सेना में भर्ती हुए थे। महीने भर पहले ही जब आनंद छुट्टी पर आया था तो परिवार ने उससे कह दिया था कि अब शादी करनी होगी। परिवार बेटे की शादी की तैयारी कर रहा था। कल ही माँ बाप लड़की देखने गए थे, लेकिन अब सेहरा नहीं खरीदना है, अब घर के रंग रोगन की तैयारी नहीं करनी है, अब तो सिर्फ बेटे की यादें रह गई हैं। हमारे साथ खेलना क्रिकेट वगैरह, उसको क्रिकेट की भी हॉबी थी और उसको घूमना बहुत पसंद था। आनंद का बड़ा भाई महाराष्ट्र पुलिस में है। अपने नाम के मुताबिक हंसमुख आनंद अब सबको रुला कर चला गया है। आनंद हा म्हणजे एक मोल्याचा म्हणजे सर्या मुलापैकी हुशार मुलगा होता आणि त्याची पहिल्यापासूनच मिलिटरीमध्ये जाण्याची इच्छा होती आणि तो ज्यावेळेस भी सुट्टीवर आला तो प्रत्येकाशी सर्याशी पूर्ण एरियासोबत एकदम चांगलेपणा राहून सर्यासोबत चांगला राहायचा। लग्नासाठी मुलगी पण कालच पाहायसाठी त्याच्या घरचे सर्व लोक गेले होते, मुलगी पण त्याला पाहिली, पर दुर्दैवानं त्याची अशी दुर्घटना घडली त्यासाठी पूर्ण आपल्या अकोला जिल्हा म्हणजे दुःखामध्ये वाहून गेलेला आहे। एक मेजर और 14 जवानों की शहादत लेने वाले बर्फीले तूफान ने मध्य प्रदेश के शहडोल के इस घर में भी चीख पुकार मचा दी है। शहीद होने वाले जवानों में से एक देवेंद्र सोनी भी थे। क्या गुजर रही होगी उस माँ पर जिसका 24 साल का बेटा हमेशा के लिए चला गया है? क्या बीत रही होगी उस पिता के कलेजे पर जिसे खुद अपने बेटे को कंधा देना होगा? शहीद देवेंद्र सोनी के तीन बड़े भाई हैं और एक बहन है। 15 दिसंबर बात हुई तो कहा छुट्टी टेंशन हो गई है, आप कोई बंदा ज्वाइन कर लेगा मेरी जगह पे तो मैं आ जाऊंगा, तब तक मौसम खराब हो गया। देवेंद्र सोनी 51 राष्ट्रीय राइफल में तैनात थे। देवेंद्र 2010 से जम्मू कश्मीर में तैनात थे। परिवार को अब एक आखिरी बार अपने बेटे की झलक का इंतजार है। वहाँ से कश्मीर से चलेंगे, हाँ जबलपुर आएंगे, जबलपुर से फिर यहाँ आएंगे। ये तस्वीर शहीद जवान विजय शुक्ला की है। मुरैना के रहने वाले विजय करीब 15 साल पहले सेना में भर्ती हुए थे। बेटे की शहादत के बाद परिवार में मातम है। इस हादसे में सबक ये छुपा हुआ है कि हमारे सिस्टम की सोच ये नहीं होनी चाहिए कि देश की रक्षा करने वाले सैनिक या तो दुश्मन की गोली से शहीद होंगे या फिर खतरनाक मौसम की वजह से शहादत दे देंगे। सैनिक की ड्यूटी देश की रक्षा करना है, शहीद होना नहीं। सवाल यही है कि हमारा देश जब मंगल ग्रह पर यान भेज सकता है तो क्या हिमस्खलन से जवानों को बचाने की तकनीक विकसित नहीं की जा सकती है? अगर आप सोचें कि हमें इसको 100% एक्यूरेसी के साथ प्रेडिक्ट किया जा सकेगा तो ये शायद अभी तक तो कभी संभव है नहीं। ये सही है कि कुदरत से लड़ा नहीं जा सकता है, मौसम को हराया नहीं जा सकता है, लेकिन उससे बचा तो जा सकता है। एवलांच एक ऐसा नेचुरल डिजास्टर है जो कि तकरीबन 150 किलोमीटर की स्पीड से और 7-8 टन पर स्क्वायर इंच के प्रेशर से नीचे आता है। सवाल सिर्फ एवलांच की पूर्व सूचना के मौजूद होने भर का नहीं है, सवाल है कि क्या वो सूचना इतनी पुख्ता थी कि उस पर वक्त रहते कार्रवाई की जा सकती थी ताकि जवानों की जान बच जाती। एक सैनिक जब सेना में भर्ती होता है तो उसे पहले दिन ही ये बता दिया जाता है कि उसकी जान कभी भी जा सकती है, लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि सैनिक का काम सिर्फ शहीद होना ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।